अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और डेफिनेटली ये वाला वीडियो को जरूर आप बनाओ और इंस्टाग्राम और भी कहीं सोशल मीडिया पे आप अपलोड करो, डेफिनेटली आपको वीडियोस पे लाइक एंड व्यूज देखने को मिलेगा। अब गाइज आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना होगा और यहाँ पर गाइज आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट जैसे कि ये वाला और एक आपको मार्क वाला प्रोजेक्ट, यानी कि दो प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट पे आपको प्रीसेट लिंक भी मिल जाएंगे एंड एक्सएमएल फाइल का भी लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव पर। अब प्रीसेट फाइल पे क्या होता है, अगर आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिक लाइट मोशन ओपन हो जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा और आप डाउनलोड पे क्लिक करने साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, कोई भी मटेरियल्स डिलीट नहीं होगा। और एग्जाम्पल में क्या होता है, मटेरियल सब डिलीट हो जाता है और आपको मैनुअली उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा शेयर पे क्लिक करके, यानी कि आप जो एग्जाम्पल डाउनलोड किए उसे थ्री डॉट पे क्लिक करके शेयर करना पड़ेगा लाइट मोशन पर। देन आते हैं, अगर आप ये वाला लाइट मोशन यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रीसेट फाइल इजीली आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं दोनों ही प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर चुका हूँ, जो कि है सेक इफेक्ट एंड एक बिटमार्क मार्क वाला प्रोजेक्ट। अब एक्सएमएल एंड प्रीसेट दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ जो कि है मार्क वाला प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर गाइज आपको ऑडियो मिल जाते हैं। अगर आप एक्सएमएल यूज़ कर रहे हो तो आपको वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, उसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं लेयर्स मिलते हैं, जैसे कि ये सब मैसेज सब है। अब यहाँ पर ये सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप प्रीसेट यूज़ कर रहे हो तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा, कोई डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा और आप जो भी फोटोज़ पे वीडियोज़ बना रहे हो उस इमेज को इंपोर्ट करना होगा। देन इमेज लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर 7 सेकंड के बाद 8.02 सेकंड पर आना होगा, एक्सटेंड कर देना होगा। देन इसे आपको इस तरह इस लेयर को होल्ड करके रखना होगा और ऑडियो को जस्ट अपर पे रख लेना होगा, ये जो कलर वाला है वो ऑडियो है उसके अपर पे रख लेना होगा। देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो लेयर पे पहले क्लिक करें, देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया। अब यहाँ पर गाइज आपको ये 7 सेकंड से प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा और गाइज आपको एक वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, ये वाला वीडियो को इंपोर्ट करा लीजिएगा। इंपोर्ट कराने के बाद ये जो आप ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है आपको, वो वीडियो पे उस लेयर पे क्लिक करने के बाद और लाइटिंग पे जाना होगा और स्क्रीन करना होगा, तो वो वीडियो का जो ब्लैक पार्ट है वो हाइड हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपको मैसेज ठीक बिट के साथ मैचिंग भी हो जाएगा, मैच हो जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे आपका जो ये मैसेज है ये सब भी दिखेगा। बट आपको क्या करना होगा, ये जो लेयर है इसे आपको होल्ड करके रखना होगा और डाउन कर देना होगा, ये आपका जो मैसेज लेयर है ये फोटो का जस्ट अपर पे रखना होगा, यानी कि ये जो आपका फोटोज़ है ये फोटोज़ है और इसका जस्ट अपर पे रखना होगा। और यहाँ पर उसके बाद आपका ये जो मैसेज सब है ये सब भी दिखेगा। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, बैक करना होगा और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना होगा और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कुछ आपको लेयर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर अभी आपको ये जो लेयर आप देख रहे हो ये लेयर के अंदर एडिट टेक्स्ट पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं हर्षिता फॉन्ट्स का नेम है, तो फॉन्ट को किस तरह इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फॉन्ट्स पे जाना होगा, फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जस्ट आपको इस तरह चूज़ करना होगा और बैक कर देना होगा। बैक करने के बाद आपको इंपोर्टेड फाइल को चूज़ कर लेना होगा और सबसे एंड पे देखने को मिल जाएगा वो फॉन्ट। तो यहाँ पर मैं दो फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आपको फॉन्ट को चूज़ करने के बाद अगर दिखता नहीं है तो आप क्या करें, एडिट टेक्स्ट पे जाके ये जो ग्रीन बटन है ये ग्रीन को थोड़ा से आगे पीछे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर करा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पर मैं चले आ जाता हूँ जो कि है बिटमार्क प्रोजेक्ट। देन ये वाला आइकन पे क्लिक करके मैं पेस्ट लेयर कर देता हूँ, पेस्ट लेयर करने के बाद वो वाला दिखता है वो जो आपका लिरिक्स है। अब यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, फिर से आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना होगा और ये जो फोटोज़ है इस पर क्लिक करना होगा और ये वाला आइकन पर क्लिक करके कॉपी लेयर करना होगा। देन बैक करना होगा आपको इस तरह और यहाँ पर फिर से मार्क वाला प्रोजेक्ट के अंदर आना होगा और ये जो आपका फोटोज़ है इस पर क्लिक करना होगा और ये वाला आइकन पर क्लिक करके ये जो एरो है पेस्ट स्टाइल के बाजू पे एरो इस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ये जो कलर है इस कलर को अनहाइड कर देना, मतलब हटा देना है और देन पेस्ट कर देना होगा। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सी एक ब्लैक पार्ट शो हो रहा है, तो आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना होगा, फोटो का टाइल्स पे जाना होगा और क्रोप को थोड़ा सा इस तरह इंक्रीज करा देना होगा, जहाँ जहाँ पर आपको इस तरह शो हो रहा है थोड़ा से आप ज़्यादा इंक्रीज करा लीजिएगा, देन वो उसके बाद आपको शो नहीं होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपका शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, फोटोज़ को इस तरह जूम कर लेता हूँ, देखने में सही लगेगा, और थोड़ा नीचे की तरफ कर लेता हूँ इस तरह। तो आप देख सकते हैं अब इस तरह आपका जो है
बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपका जो फोटो है अगर थोड़ा डार्कनेस है तो सही है, अदरवाइज अगर आपका डार्कनेस नहीं है तो आप इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाइएगा, विनियट आपको देखने को मिलेगा, तो इस वाला क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट, अगर फिर से डार्क आप थोड़ा देख सकते हैं डार्कनेस ज़्यादा हो चुका। अगर आपको फिर भी टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे पे जो टेक्स्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट क्रिएट कर दीजिएगा, तो अब बेटर थोड़ा सही अब दिखता है। अब यहाँ पर गाइज आपका ब्लैक पार्ट भी उतना अच्छे से जो है वो दिखता नहीं है, और यहाँ पर अगर आप चाहते हो यहाँ पर टाइल्स को ऑप्शन पर जाके आपको नहीं इसको हटाना है, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया, तो आप इस तरह रिमूव भी करा सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह करने के बाद थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपना फ़ोटोज़ को, देन आपको उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह मैसेज आएगा और ये सब मैच हो चुका है। देन प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना होगा स्टार्टिंग टाइम पे आने के बाद, और ये वाला वीडियो को इंपोर्ट करना होगा। ये वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना होगा, लाइटन पर जाना होगा, स्क्रीन कर देना होगा, और गाइज आपका जहाँ पर वीडियो एंड हो रहा है वहाँ पर आप उतना दूर आप एक्सटेंड होता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो आप अगर पूरा एंड तक करना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपका ये दिखेगा, बट उससे पहले आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाके स्क्रीन जरूर करना होगा, तभी दिखता है। तो यहाँ पर उसके बाद अभी आप देख सकते हैं इस तरह आपका वीडियोस बन जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और इसका भी फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा जिसका नेम है आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये वाला फॉन्ट कुछ इस तरह रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइज आपका ये जो वीडियो है जो मैसेज वाला वीडियो है लिरिक्स वाला वीडियो है इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइज आपको चले जाना होगा इफेक्ट्स का ऑप्शन पर, ऐड इफेक्ट पे, और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन पर सर्च करना होगा EX, देन एक्सपोजर एंड गामा आएगा, तो स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एक प्लस का आइकन देना होगा, और यहाँ पर 7.9 यानी कि 7.09 पे एक प्लस देना होगा, और ये जो प्लस है आपको जीरो ही रखना होगा, और इधर वाला जो आपका है स्टार्टिंग पे 7 पे इसका स्टैंडर्ड को आपको एक्सपोजर को 2 कर देना होगा। अब यहाँ पर सेम आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे जाना होगा, और यहाँ पर सर्च करना होगा आपको जूम, तो यहाँ पर मैं जूम ब्लर आपको चूज़ करना होगा, जूम ब्लर का स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज़ किया, देन जूम ब्लर पे जाना होगा, स्ट्रेंथ पे जाना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा, और सेम 0.9 पे जाके एक प्लस देना होगा। अब इधर वाला जो आप देख रहे हो इधर का सेम उसी तरह जितना है उतना ही रखना होगा, और इधर वाला आप जो देख रहे हो इसे आपको कर देना होगा 51, तो मैं इसे 51 कर देता हूँ, और इधर वाला पे आप 0 कर लीजिएगा। तो आप जो अभी इफेक्ट दिए कुछ ये वाला इफेक्ट दिया आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह जूम हो रहा है और एक्सपोजर एंड गामा ठीक टाइम पे ठीक हो जा रहा है, ये वाला इफेक्ट अभी ऐड किया आप। अब यहाँ पर गाइस आप भी देख सकते हैं आपका उसके बाद कुछ इस तरह वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। देन आपको बैक करना होगा, सेफ इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना होगा, और यहाँ पर गाइस ये तीन लेयर मिलते हैं आपको, इन तीनों लेयर को इस तरह होल्ड करके आपको यहाँ पर वाला आइकन पर क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर्स करना होगा, देन बैक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर आप देख सकते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह वो बन जाएगा। आपको अगर आप इसे हाइड कर देते हो तो कुछ इस तरह देखने को मिलता है, यानी कि नहीं रखते हो तो, और जब इससे आप पेस्ट कर देते हो तो कुछ इस तरह देखने को मिलता है, तो डिपेंड आपको ऊपर करता है। देन आपको क्या करना होगा, जहाँ पर आपका वीडियो एंड हो रहा है तो उन तीनों लेयर को इस तरह सिलेक्ट करना होगा और ये वाला आइकन पर क्लिक कर देना होगा, तो अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद आप शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ क्योंकि कैसा बना है, आपको वीडियो चेक भी तो करना होगा।